News 43 खास मुलाकात में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाया गया और उसने ऐसा क्या किया कि सबके मुंह बंद हो गए। आज हम बात कर रहे हैं नजफगढ़ के दीनपुर में रहने वाले नरेश की। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं सबसे पहले न्यूज 43 का दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे एक खिलाड़ी के रूप में मुझे बुलाया और मेरे हालात जाने, हालात पहचाने और आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाई। सबसे पहले हम उनके अचीवमेंट की बात करते हैं। दिव्यांग कैटेगरी में दिल्ली में 4th प्लेस पे आता हूँ और मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मिस्टर दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मिस्टर वर्ल्ड में मैंने 4th प्लेस हासिल की थी और मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, ये सब मैंने मेडल प्राप्त किए हुए हैं। नरेश जब पहली बार जिम में गए तो कुछ लोगों ने उनकी दिव्यांगता का मजाक भी बनाया और उन्हें बॉडी बिल्डिंग से दूर रहने की सलाह दी। जब मुझे पता चला शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हथियार जो डंबल थे, मैं डंबलों को हथियार बोलता हूँ अपने, जिम मेरा एक मुकाम है, शायद मैंने वहां से अपनी तरक्की हासिल करनी थी और उन्हीं लोगों के मुंह बंद करने थे जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सिर्फ उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए शायद मेरी माँ बोलती थी या मेरा पिताजी बोलता था कि तू ऐसे ले यार, तू टेंशन ना ले, जो भी तू कुछ कर रहा है कर रहे जा। मेरी माँ भी बोलती थी यार सूख गया, ये हो गया, लेकिन डाइटिंग पे मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी, बॉडी बिल्डिंग में मेरी सिचुएशन ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन जो सोच लिया था भाई, सोचा था कि वे काम करना है, अगर मैं इसके बीच में अधूरा भागता शायद वो मेरी बेवकूफ़ी होती, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। डाइटिंग में मेरा पैसा भी लगा, डाइटिंग में एक्सरसाइज भी बहुत हुई, लेकिन बोलते थे ना एक सोच लिया था, तो जिम में जितनी पावर थी मैं अपनी पूरी वेस्ट कर रहा था वहाँ पे। एक दिव्यांग और होने के कारण जो शायद वो बोलते थे कि मैं अपने आप को तंदुरुस्त हूँ, मैं उनको टक्कर देता, मेरे सामने यानी कि ये कह दिया भाई तू करता रहा मैं जा रहा हूँ।